हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डे 4 का व्लॉग। सबसे पहले टैंक की प्रेपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको बनाकर आप फ्रिज में रख दें ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और थिक हो जाता है। उसके बाद सफाई करूँगी मैं किचन की अच्छी तरह से। किचन को साफ़ करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाने का प्लान किया है। सबसे पहले तो आप किचन का हाल देखें। एक्चुअली भाई ने कुछ बनाया था, उसके बनाने के बाद किचन का यही हशर हो जाता है कि उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जी। तो किचन साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैंने डिनर के लिए हांडी प्रिपेयर कर ली, आलू मेथी बनाई थी और उसके बाद मैं अफ्तार की प्रेपरेशन करना स्टार्ट हो गई। आलू मेथी तैयार हो चुकी है और अफ्तार के लिए मैंने प्लान किया है बर्गर। सबसे पहले सॉस के इंग्रेडिएंट्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और आपकी ये वाली सॉस बन जाएगी, जिसको हम चिकन में मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं आपको शामी की रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया है, ऑलमोस्ट फुल ब्रेस्ट, और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। एक्चुअली भाई ने शामी बनाई थी। और दाल भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। ये मसाले धनिया, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्चें, नमक और गरम मसाला, काली मिर्चें पीसी हुई और साबुत, और उसके अलावा ग्रीन चिलीज़, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को दाल और चिकन के साथ पकाने के बाद कुछ इस तरह का मिक्सचर तैयार हुआ है और बहुत ही इजी वे में हम लोग इसे बना रहे हैं। इससे आपको पीसना नहीं पड़ता है, जस्ट आप इसे कीमे वाली मशीन में डालें अगर आपके पास मशीन है तो, नहीं तो आप चॉपर में भी बना सकते हैं। इसको एक दफ़ा कीमे वाली मशीन से निकाल लें तो बहुत ही अच्छी सी शामी बन जाती है आपकी बड़ी जल्दी से। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी शामी बन गई है। शामी को बनाकर ऑलमोस्ट इसको थोड़ी देर फ्रीज़ करें, फिर ही ये ज़्यादा अच्छी और मतलब अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है, वरना ये टूट जाती है। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है और अब इनको फ्राई करके बर्गर्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद चिकन को बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया था ताकि इसका एक सैलड सा बना लें। उसके बाद हम लेंगे बंद गोभी, सलाद के पत्ते और डॉन के बर्गर बन्स। उसके अलावा यूज़ करूँगी मायोनीज़ और केचप, तो कनौर का ही होना चाहिए। एक्चुअली कनौर के केचप का टेस्ट बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन के पहले मैंने तैयार कर ली है फ्रूट चाट, क्योंकि इसको भी थोड़ी देर पहले फ्रिज में रखेंगे तो ये जूसी बन जाएगी। तो फ्रूट चाट रखने के बाद अब असर का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। सबसे पहले तो थोड़ा सा कमरा समेट लेती हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बस थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो थोड़ा सा कमरा सेट कर लिया। इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अफ्तार की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हसन के थोड़े से टॉयज़ पड़े हुए थे और मैं उसको उसके रूम में देने गई, तो मुझे इतना हैरान होकर देख रहा था कि आज पप्पू ने मुझे पकड़ा नहीं। तो सबसे पहले हसन के साथ थोड़ी सी मस्ती की। इधर तो देखो। चलें जी, अब थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तार में, तो सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं बर्गर्स। 3 अंडे लिए हैं मैंने और इसमें मैंने ऐड की है थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। अब इसमें एक शामी को डिप करके फ्राई करती जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आग पे फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल ही हल्की सी आग पे आप इसको स्टीम में फ्राई करें तो बड़ी सॉफ्ट सी और मज़े की आपकी शामी तैयार हो जाती हैं। बर्गर्स को, बंस को मैंने सेपरेट कर लिया है और शामी ऑलमोस्ट दोनों तरफ से फ्राई होने ही वाली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका सैलड जो है वो किस तरह से तैयार करना है। एक्चुअली भाई किचन में मेरे साथ ही अपना बर्गर सेपरेटली ख़ुद बना रहे थे, तो ये श्रेड किया हुआ चिकन है सारा, और जो सॉस बनाई थी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी बचाने के बाद ऑलमोस्ट मैंने 1 कप की सॉस बनाई थी, तो थोड़ी सी मैं इसमें से स्पेयर कर लूँगी और बाकी सारी की सारी सॉस मैं चिकन में मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसी में ही थोड़ी सी चिलीज़ और ऐड कर सकते हैं, या आप इसी में ही बंद गोभी का सैलड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो सेपरेटली यूज़ किया था। शामी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। सबसे पहले स्लाइस पे मैं केचप स्प्रेड करूंगी। एक ही किचन में जब 2 लोग काम कर रहे हों तो बार बार रुक रुक के काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी से काम हो गया था। केचप स्प्रेड करने के बाद तब तक ऑलमोस्ट शामी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कितनी लो फ्लेम पे मैंने उसे रखा है कि अभी तक वो जल नहीं रही है। केचप के बाद अब इस पे शामी रख देंगे। अब इसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था चिकन एंड सॉस का, उसको मैं सारे बर्गर्स पे स्प्रेड कर दूंगी। आप अगर इस टेक्निक से यूज़ करेंगे, इसी मिक्सचर में मतलब इसी सॉस में आप सिर्फ और सिर्फ बंद गोभी भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ अपने मामा और भाभी के लिए बर्गर बना रही हूँ, और एक बर्गर मैंने छोड़ दिया है, वो भाई अपनी मर्ज़ी से जैसे भी एडजस्ट करना होगा कर लेंगे। उसके बाद मैं इस पर रखूंगी सलाद का पत्ता, हर बर्गर पे एक एक सलाद का पत्ता, और ऊपर वाले स्लाइस को एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद भाई ने देखें आप अपने लिए खुद से हाफ फ्राई अंडा लगा रहे हैं बर्गर में। मैंने बर्गर में अंडा नहीं लगाया था क्योंकि और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले से ही उसमें ऐड की थी, तो अंडा लगाने के बाद वो अजीब सा ही कुछ टेस्ट बन जाना था। जब चिकन यूज़ कर रही थी तो अंडा यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने इस पे लगाई मायोनीज़ और सारे बर्गर्स को कवर कर दिया। इफ्तारी का टाइम हो चुका है, और आज हमारी इफ्तारी बहुत थोड़ी सी है, सिंपल तो नहीं कह सकते, सिर्फ हमें बर्गर है और फ्रूट चाट है और थोड़े से पकोड़े हैं, खजूर है और ड्रिंक में टैंग है। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से डेली टू डेली व्लॉग्स अपलोड करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप न्यू आने वाले व्लॉग्स को देख सकें। जाते जाते आप देख सकते हैं कि बर्गर कितना क्रीमी सा तैयार हुआ है। Again, thanks for visiting my channel.